Good morning guys, so my name is Sagar and I am back with another video and I welcome you all to my YouTube channel Exam Lexicon. Namaskar dosto, mera naam Sagar hai and aap sabhi ka swagat hai mere YouTube channel Exam Lexicon pe. To aaj se hum ek nayi series start karne wale hain jisme hum da hindu mein jo dono editorial aate hain daily unko analyze karenge. Uske saath saath hum kuch jo top headlines hogi wo bhi discuss karenge and hum hamari vocabulary pe bhi kaam karne ki koshish karenge is series ke through. Theek hai, so let's start. So before I start, I request to all my viewers, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो please hit the subscribe button and जैसे ही आप subscribe button पे क्लिक करेंगे, ये एक bell icon बनाएगा, please इसको भी क्लिक करें, so that you get all the notifications once we upload any new video. हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे, आपको notification चला जाएगा. So we will start the video with a positive quote. So, ये कोट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से है जो अब तो नहीं रहे बट ही हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी. तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है. ही सेड डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज यू विल ओनली गेट अ मैसेज रादर रीड फेलियर स्टोरीज यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस. ठीक है, आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही पढ़ते रहेंगे तो आपको एक कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा. यू विल जस्ट गेट अ फ्लैट मैसेज. आपको एक मैसेज मिलेगा, आप थोड़ी देर के लिए उससे बूस्ट अप रह सकते हैं. हो सकता है आपको 10-15 मिनट बहुत मोटिवेटेड रहे, दो दिन मोटिवेशन रहे, लेकिन हाँ उसके बाद आप भूल जाएंगे एंड यू वोंट मींस वर्क ऑन इट. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की फेलियर स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि वो उस बंदे ने अपने फेलियर्स को ओवरकम करके सक्सेस कैसे पाई. तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा और कुछ ऐसे तरीके मिलेंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो ओवरकम योर फेलियर्स. ठीक है, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद आर एडिटोरियल्स. तो हम देखते हैं पहला एडिटोरियल जो आज है वो है अ ग्लोबल लेवल. ठीक है, अब इसका जो मेन जो समरी है, जो इसका सार है, मोटा मोटा सार जो है इसका, वो ये है कि मसूद अजहर जो कि जैश मोहम्मद का मीन्स हेड है, ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल टेररिस्ट बाई UNSC. ये अभी पुलवामा के अटैक में भी इन्हीं का हाथ था, मसूद अजहर का ही इसमें हाथ था, तो अब उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है. ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं. मसूद अजहर लिस्टिंग एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय द UNSC UN सिक्योरिटी काउंसिल एट लॉन्ग लास्ट क्लोजेज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियाज क्वेस्ट. क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, खोज, टू ब्रिंग द जैश मोहम्मद चीफ टू जस्टिस. ठीक है, मसूद अजहर को इन्होंने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है एंड ये इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था एंड अब जाके इंडिया को जस्टिस मिला है एंड जैश मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर उसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है. चलिए आगे देखते हैं. ही एल्यूडेड द डेजिग्नेशन फॉर 20 ईयर्स. मतलब एल्यूडेड का मतलब होता है टालना. ठीक है, तो वो 20 साल से, जब से 1999 में उसको छोड़ा गया था. क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि उसके लोगों ने IC-814 हाईजैक कर लिया था. जो विमान उन्होंने IC-814 को हाईजैक कर लिया था और उसके बदले में उन्होंने मसूद अजहर को छोड़ने की डिमांड करी थी. तो उस टाइम के जो भी हालात थे उसको, उस हालात में मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था एंड तब से वो ये डेजिग्नेशन कौन सी, इंटरनेशनल टेररिस्ट की, वो ये टालता आ रहा है. ठीक है, एंड हिज लीडरशिप ऑफ द जैश मोहम्मद हैज कैरीड आउट डजंस ऑफ डेडली अटैक्स इन इंडिया. एंड उसकी लीडरशिप में जैश मोहम्मद ने बहुत सारे डेडली अटैक्स किए हैं इंडिया पे, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट अटैक. 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया था एंड मोर रिसेंट लाइक्स द पठानकोट एयरबेस अटैक एंड द पुलवामा पुलिस कॉन्वे बॉम्बिंग दिस ईयर. ठीक है, पठानकोट एयरबेस पे उन्होंने अटैक किया था जो 2016 में और इसी साल इन्होंने फरवरी में 14 फरवरी के दिन पुलवामा पे पुलिस कॉन्वे पे अटैक किया था. कॉन्वे का मतलब कारवा. ठीक है, चाइनाज अपोजिशन टू द लिस्टिंग हैज बीन थोन. ठीक है, इंडियाज साइड, चाइना जो है वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता हुआ हमेशा इस चीज़ पे रोड़ा लगा रहा था. ठीक है, वो एक कांटा बना हुआ था इंडिया की इस कोशिश में चाइना. ठीक है, अपनी वीटो पावर को यूज़ करके वो मसूद अजहर को डिक्लेयर नहीं होने दे रहा था ग्लोबल टेररिस्ट. गिवन द टोल अजहर एंड द जैश मोहम्मद हैव एग्जेक्टेड एंड बीजिंग्स वीटो ऑफ लिस्टिंग 3 times बिटवीन 2009 and 2007 हैड ड्रिवन अ वेज इन इंडियाज चाइनाज रिलेशन. ठीक है, तो बीजिंग अपना वीटो का पावर यूज़ करते हुए अब इंडिया ने 3 बार 2009 से लेकर 2017 के बीच ट्राई किया कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन चाइना इसमें बार बार अपनी अटकल लगा रहा था और वो ये डिक्लेयर नहीं होने दे रहा था. एंड इससे क्या हुआ है,
इट हैज़ ड्रिवन अ वेज. ड्रिवन अ वेज का मतलब एक दरार सी आ गई है, इसके चलते एक दरार आई इंडिया चाइना रिलेशंस में. डिस्पाइट द फ्रस्ट्रेशन ओवर चाइनाज लास्ट होल्ड ऑन प्रपोजल मूव्ड बाय द यूएस यूके एंड फ्रांस जस्ट वीक्स आफ्टर द पुलवामा द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल टू अप्रोच बीजिंग विद व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉल्ड पेशेंस एंड परसिस्टेंस. ठीक है, तो अपने पेशेंस और परसिस्टेंस के चलते हुए इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने कैसे जैसे करके चाइना को कन्विंस कर लिया है इस चीज़ के लिए. एंड ये काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ा एक फीट अचीव किया है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देर इज मच डिसअपॉइंटमेंट. अब देखिए ये सब होने के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट है, क्यों? क्योंकि However, over the final listing released by the Security Council with no mention of Azhar's role in the any of the attack against India. अब जो उन्होंने जिस बेसिस पे मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है उसमें इंडिया के अगेंस्ट अटैक्स का कहीं नाम ही नहीं है. ठीक है, और डायरेक्टिंग द इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर. इंसर्जेंसी का मतलब होता है अलगाववाद. अब ये जितने भी मैं वर्ड मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ जिनमें मैंने ब्रैकेट में हिंदी में लिख रखा है, ये आपको एक नोटबुक में नोट करते जाना है. ठीक है, ये वर्ड्स आपके वोकैब बिल्ड करने में बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत बार सुनने को भी मिल देंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं. ठीक है, सो उसका मसूद अजहर का ये कहीं मेंशन ही नहीं किया गया कि उसने इंडिया के अगेंस्ट अटैक कराया या फिर वो अलगाववाद को पैदा करने की कोशिश कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी. अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू पुलवामा विच वॉज इन द ओरिजिनल प्रपोजल. ओरिजिनल प्रपोजल में जो इंडिया की तरफ से गया था और कि पुलवामा में इसका हाथ है जैशे मोहम्मद का, वो भी हटा दिया गया था. वॉज ऑल्सो ड्रॉप्ड प्रीज्यूमेबली टू इफेक्ट चाइनाज चेंज ऑफ माइंड ऑन द इश्यू. क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से प्रीज्यूम किया जा रहा है कि चाइना का मतलब इस बात पे उसका जो रवैया था उसको बदलने के लिए इस पुलवामा वाले जो रेफरेंस थी उसको भी हटा दिया गया ताकि चाइना भी अपनी तरफ से हाँ बोल दे उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए. पाकिस्तान्स क्लेम ऑफ ए विक्ट्री इन दिस आर हार्डली क्रेडिबल. ठीक है, पाकिस्तान भी अपनी इसमें विक्ट्री बता रहा है कि हाँ भाई हमारे अगेंस्ट इंडिया ने कोशिश करी कि उसका नाम जैसे तैसे करके जम्मू कश्मीर और अटैक से जोड़ दिया जाए, लेकिन तो भी ये इसको लग रहा है पाकिस्तान को कि हमारी भी इसमें जीत है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ हार्डली क्रेडिबल. इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि मसूद अजहर इज़ वन ऑफ दी अबाउट 20 करीब करीब 21-67 सेंक्शन टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं. ठीक है, एंड देर आर मोर आर बेस्ड देयर. और भी पता नहीं कितने आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं. विच इज़ हार्डली अ सिचुएशन दैट गिव्स इट कॉज फॉर प्राइड. ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पाकिस्तान को कैसे मतलब प्राइड का मौका दे सकती है. नहीं, मतलब पाकिस्तान कैन नॉट फील प्राउड ऑन इट कि हाँ भाई हमारी विक्ट्री है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. क्योंकि ऑलरेडी 20 से ज़्यादा आतंकवादी पाकिस्तानी नेशनलिटी के उसके लिस्ट में है, यूएनएससी की लिस्ट में एज ग्लोबल टेररिस्ट. इट इज़ नेसेसरी टू रिकोगनाइज दैट इंडियाज एफर्ट्स एंड दोज ऑफ पार्टनर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन रिवॉर्डेड विद अ यूएनएससी डेजिग्नेशन एट 1267 ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee. The focus must now move to ensuring its full implementation in Pakistan. ठीक है, तो इंडिया के जितने भी एफर्ट्स थे सिक्योरिटी काउंसिल में वो तो रिवॉर्ड कर दिए गए हैं UNSC में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करके. लेकिन अब जो हमारा फोकस होना चाहिए इंडिया का पूरी तरह से, वो होना चाहिए ये इंश्योर करने पे कि जो भी इसके ग्लोबल टेररिस्ट बनने के बाद जो भी इनके वो होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी फ्रीज करनी होती है, उनके आर्म्स एंड अम्यूनेशन को फ्रीज करना होता है, वो सब फुल इम्प्लीमेंटेशन हो उसका पाकिस्तान में. क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको चलिए अपन देखते हैं आगे. बट दिस इज ईजियर सेड देन डन. ठीक है, ये बोलने में आसान है करने में मुश्किल है. ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान्स एक्शंस अगेंस्ट अदर्स ऑन 1267 लिस्ट हैव बीन फार फ्रॉम इफेक्टिव. ठीक है, ऐसे कई आतंकवादी पहले से हैं जिनको 1267 लिस्ट में ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है. इन एंड इन मैनी केसेस ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट. ठीक है, वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन ही बना है इसमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं हाफिज सईद जो 26/11 का मास्टरमाइंड था एंड लश्कर ए तौबा का चीफ है. ठीक है, वो अभी भी वहाँ पे रोम्स फ्री
वो अभी भी आराम से खुले में घूमता है, रैलीज एड्रेस करता है एंड पॉलिटिकल पार्टी रन करता है एंड सेवरल एनजीओ भी रन करता है विदाउट एनी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। पाकिस्तान की सरकार ने उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखे हैं। अब देख लेते हैं LETs, लश्कर ए तोबा ऑपरेशन कमांडर जाकी उर रहमान लखवी, इसको भी थोड़े कुछ साल पहले इसको भी बेल दे दी गई थी, ठीक है, डिस्पाइट द यूनिसी सैंक्शंस मैंडेटिंग दैट फंड्स एंड एसेट्स टू द सैंक्शंस इंडिविजुअल मस्ट बी फ्रोजन। ये उनकी डिमांड होती है यूएनएससी सैंक्शन की कि उसके जो फंड्स और एसेट्स हैं वो फ्रीज कर देने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने तो उसे बेल दे दिया कुछ साल पहले। इसीलिए मसूद अजहर पे जो अब इन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अब उसका जितने भी रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो इस पर इंडिया का पूरा फोकस होना चाहिए। इट विल टेक कॉन्स्टेंट फोकस फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड अ पुश फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, अब हमारी सरकार जो है न्यू दिल्ली में वहाँ से और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को उस पर एक पुश करना पड़ेगा, एक फोर्स करना पड़ेगा पाकिस्तान को ये इंश्योर करने के लिए कि मसूद अजहर इज नॉट जस्ट स्टार्व्ड ऑफ फंड्स यानी जो पैसा उसको जा रहा है, आर्म्स यानी उसके पास जो हथियार है, एमिनेशन मतलब गोला बारू इत्यादि जो होता है एज मैंडेटेड, बट ही इज प्रोसिक्यूटेड इन पाकिस्तान फॉर द एक्ट्स ऑफ एरर ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। अजहर एंड हिज जैश ए मोहम्मद मस्ट लूज ऑल कैपेसिटी टू कैरी आउट अटैक्स पर्टिकुलरली अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो दिल्ली और ग्लोबल कम्युनिटी को पूरा फोर्स करना पड़ेगा पाकिस्तान को ये इंश्योर करने के लिए कि मसूद अजहर को सिर्फ और सिर्फ पैसा हथियार और गोला बारूद तो उसके फ्रीज हो ही हो, साथ ही साथ उस पर मुकदमा भी चलाया जाए उन टेररिस्ट अटैक्स के लिए जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल घोषित किया गया है, ठीक है। अजहर एंड हिज जैश मोहम्मद मस्ट लूज ऑल कैपेसिटी, मतलब उनकी जितनी भी कैपेसिटी है टू कैरी आउट अटैक्स अटैक करने की या ये जितने भी टेररिस्ट अटैक वो करते हैं वो सब चली जानी चाहिए, एकदम उस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या काम है, इनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना, ठीक है। विल ऑल्सो भी वॉचिंग पाकिस्तान्स नेक्स्ट मूव्स क्लोजली, ये भी पाकिस्तान अगला मूव क्या लेता है उसको एकदम क्लोज उस पर नजर रखेगा अहेड ऑफ ए डिसीजन दैट कुड कम एज अर्ली एज जून ऑन वेदर टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान और कीप इट ऑन ग्रे लिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक ग्रे लिस्ट में तो है ही FATF की, अब वो ब्लैक लिस्ट में भी डल सकता है जो कि फैसला जून में आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए FATF पाकिस्तान के नेक्स्ट मूव पे नजर रखेगा। बोथ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रेशर शुड बी मेंटेन ऑन इस्लामाबाद, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रेशर दोनों इस्लामाबाद पे मतलब लगे रहने चाहिए टू ब्रिंग द हार्ड फोर डेजिग्नेशन आएगी ऑफ मसूद अजहर टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। अब जो एक डेजिग्नेशन तो इसको मिल गई है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की, लेकिन उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है क्या कि उसके फंड्स वगैरह और ये फंड्स आर्म्स एम्यूनेशन और इन सबको फ्रीज कर दिया जाए और उस पर मुकदमे चलाए जाए जो भी उसने टेरर अटैक किए उसके लिए, इसको एक मतलब ये चीज़ होने के लिए पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल प्रेशर होना जरूरी है, मतलब इस्लामाबाद पर डालना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला एडिटोरियल, इसका मेन सार यही था कि अभी उसको सिर्फ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद जो सैंक्शन कमेटी जो अपने मैंडेट लगाती है वो अगर हमको पूरा करना है तो पाकिस्तान के ऊपर पूरा फोर्स डाल के रखना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू फोकस एंड इंश्योर कि उसके मसूद अजहर के आर्म्स एम्यूनेशन फंड्स वगैरह सब कुछ रोक दिए जाए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल को, यह है लॉस्ट लाइव्स, ये भी एक तरीके से टेररिस्ट अटैक पे ही है, जो गढ़चिरौली में नक्सलियों का जो हमला हुआ है उसी पे ये एडिटोरियल है। चलिए तो हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। द डेथ ऑफ 15 सिक्योरिटी पर्सनल्स, ठीक है, 15 सिक्योरिटी पर्सनल की इसमें मृत्यु हुई है इन लैंडमाइन अटैक इन गढ़चिरौली ऑन वेडनेसडे इज अनदर ग्रिम यानी ये आप नोट करते जाइएगा ये वर्ड्स, ग्रिम यानी भयानक रिमाइंडर ऑफ द इंडियन स्टेट्स कंटिन्यूड फेलियर टू क्रश नक्सलिज्म, ठीक है। इंडिया का जो नक्सलियों को क्रश करने का जो फेलियर है वो इससे साफ झलकता है, उसकी एक ये खतरनाक भयानक इसका रिमाइंडर है, मतलब हमको ये इन्होंने रिमाइंड कराया है कि इंडिया कहाँ पे फेल हो रहा है टू क्रश नक्सलिज्म, ठीक है। लेस देन अ मंथ अगो अ लेजिस्लेटर एंड सम सिक्योरिटी पर्सनल लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ सिमिलर अटैक इन नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ अहेड ऑफ पोलिंग। आपको याद होगा कि बीजेपी का एक एमएलए
प्लस उसके कुछ सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी ऐसे ही अपनी लाइफ गवाई थी लास्ट महीने छत्तीसगढ़ में, जब वो हेड ऑफ पोलिंग ठीक है, उसमें भी नक्सली हमला ही हुआ था। दैट दिस अटैक शुड अकर डिस्पाइट द डिप्लॉयमेंट ऑफ 30 कंपनीज ऑफ CRPF, अ कंपनी कंप्राइजेज 135 पर्सनल एंड 13 कंपनीज ऑफ SRPF एज वेल एज 5,500 पर्सनल ऑफ लोकल पुलिस इन गढ़चिरौली एंड नेबरिंग चंदरपुर डिस्ट्रिक्ट शोज नॉट ओनली दी ऑडासिटी, ऑडासिटी मतलब साहस ऑफ दी परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स अपराधी इसका मतलब होता है अपराधी, बट ऑल्सो दी अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। ठीक है, अब देखिए ये अटैक कब हुआ, जब ऑलरेडी 30 कंपनीज, कंपनीज का मतलब एक कंपनी में 135 पर्सनल होते हैं, मतलब जवान होते हैं। ठीक है, तो ऐसी 30 कंपनियां तो CRPF जवानों की, 13 कंपनी SRPF जवानों की, और 5,500 पर्सनल ऑफ लोकल पुलिस, लोकल पुलिस के 5,500 जवान जब डिप्लॉय कर रखे थे तब जाके भी इतना खतरनाक हमला हो गया है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, एक तो ये दिखाता है ऑडासिटी ऑफ द परपेट्रेटर्स। ठीक है, अपराधियों का आप साहस देखिए, उन्होंने कैसा रिस्क लेके इतने मतलब इतने टाइट सिक्योरिटी में भी उन्होंने इतना खतरनाक हमला कर डाला। ठीक है, बट ऑल्सो द अनप्रिपेयर्डनेस, ये इतनी सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी जो इन्होंने ये प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, ये इनकी लापरवाही को दिखाता है। ठीक है, अ क्विक रेस्पॉन्स टीम वॉज गोइंग डाउन द रोड टू दाड़पुर इन कुरखेड़ा वेयर एक्सट्रीमिस्ट हैड सेट फायर टू 3 dozen व्हीकल्स ऑफ अ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी अर्लियर इन द डे व्हेन द एक्सप्लोजन ब्लास्टेड द टीम टू स्मिथरीन्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, तो देखिए एक क्विक रेस्पॉन्स टीम जो थी वो जा रही थी कहाँ पे, डाउन द रोड टू दाड़पुर इन कुरखेड़ा। ठीक है, यहाँ पे जा रही थी। अब क्यों जा रही थी, क्योंकि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने 3 dozen व्हीकल्स ऑफ ए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को आग लगा दी थी। अब वहां पे ये जा रही थी क्विक रिस्पॉन्स टीम, और उसी के बीच इनके ऊपर ब्लास्ट कर दिया गया और इनके सबके टुकड़े टुकड़े हो गए एकदम। ये स्मिथरीन्स का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द ईज विद विच द एक्सट्रीमिस्ट वर एबल टू टॉर्च सो मेनी व्हीकल्स इज अलार्मिंग। ये इतनी आसानी से जो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने एकदम सारे व्हीकल्स को उड़ा दिया, ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही फ्राइटनिंग है, और मतलब इससे हमको एक सचेत हो जाना चाहिए इससे हमको। एंड द मैनर इन विच रेस्पॉन्स टीम ब्लिथली ड्रोव इनटू एन एम्बुश। ब्लिथली का मतलब होता है केयर फ्री, मतलब एक तरीके से मौज मस्ती में, एकदम लापरवाह होके मस्त मौज मस्ती में ये अपने ड्रोव इनटू एन एम्बुश यानी सरप्राइज अटैक इज अ शॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ पुअर प्लानिंग। ठीक है, ये एक पुअर प्लानिंग का एक एग्जाम्पल जताता है। ठीक है, कि क्विक रेस्पॉन्स टीम एकदम बिना किसी उसके मतलब एकदम मस्त मौला होके और उधर चले गए। द नक्सल्स सेट द बेट, बेट का मतलब क्या होता है, चारा। चारा मतलब वो गाय वाला खाने वाला चारा नहीं, मतलब एक तरीके से जाल बिछाया, नक्सल्स ने जाल बिछाया एंड सिक्योरिटी फोर्सेज ब्लाइंडली टुक इट। सिक्योरिटी फोर्सेज उस जाल में बड़े प्यार से फंस गई। ठीक है, एकदम इन द प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग लेटिंग अ रोड ओपनिंग टीम लीड द वे सीम टू हैव इग्नोर्ड। अब देखिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, अगर ऐसी टीम कहीं जाती है तो एक रोड ओपनिंग टीम जो कि रोड पे इंश्योर करती है कि कोई आए ना, ऐसा कोई ऐसा नक्सली मतलब कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति या कोई अनजान आदमी ऐसे रोड पे आए ना, इसलिए वो रोड ओपनिंग टीम आगे आगे चलती है ताकि वो रोड खोलती चले और सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे से आती रहे। और ये सीम टू हैव इग्नोर्ड, शायद ये प्रोसीजर भी इग्नोर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, येट द अथॉरिटीज विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। अब जो अथॉरिटीज है वो अभी भी डिनाई कर रही है कि इसमें ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। ठीक है, इट इज़ नो कोइंसिडेंस ईदर दैट द परपेट्रेटर्स चोज द महाराष्ट्र फाउंडेशन डे आफ्टर द पोलिंग इन डिस्ट्रिक्ट टू सेंड दिस वायलेंट मैसेज। और ये भी कोई इत्तफाक की बात नहीं है कि नक्सलियों ने महाराष्ट्र फाउंडेशन डे 1 मई चूज किया ऐसा खतरनाक मैसेज भेजने के लिए। ठीक है, दैट नक्सल शुड बी एबल टू कंट्रोल द नैरेटिव रिमेन ऑन टॉप ऑफ इंटेलिजेंस स्टे निम्बल एंड सेवरल स्टेप्स अहेड ऑफ द सिक्योरिटी प्लानर शुड बी अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। ठीक है, ये जितने भी नक्सल्स हैं ये अपना नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, अबव दैट दे रिमेन ऑन टॉप ऑफ द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से एक कदम आगे ही रहता है इनका दिमाग। स्टे निम्बल यानी बहुत चालाक भी रहते हैं
एंड सेवरल स्टेप्स अहेड ऑफ द सिक्योरिटी प्लानर्स. सिक्योरिटी प्लानर्स जो सोचते हैं उससे करीब करीब एक कदम ये आगे ही रहते हैं. ठीक है, इट शुड बी अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न. ये एक बहुत ही सोचने की बात है और बहुत ही गंभीर बात है. आगे देख लेते हैं. इट इज सम कंफर्ट दैट पोलिंग परसेंटेज इन बोथ गढ़चिरौली एंड नेबरिंग चंद्रपुर हैव राइजन कंपेयर टू 2014 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 70.04% टू 71.98% एंड फ्रॉम 63.29% टू 64.65% रेस्पेक्टिवली. ठीक है, लेकिन हाँ ये एक कंफर्ट की बात है, ये एक अच्छी बात है कि जो पोलिंग परसेंटेज है गढ़चिरौली और इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर में अभी भी ये बड़ी है. ये गढ़चिरौली में यहाँ से यहाँ हो गई है एंड चंद्रपुर में इधर से इधर हो गई है. ठीक है, ये शिफ्ट हुआ है. बट द पाथ ऑफ द वोटर टू द पोलिंग बूथ इन द नक्सल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स इज स्टिल पेव्ड विद डिस इंसेंटिव्स. लेकिन जो वोटर्स का जो पाथ है मतलब पोलिंग बूथ तक वो जो जाते हैं इन नक्सल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ये अभी भी खतरों से भरा हुआ है. एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयड इन द रीजन हैव नॉट बीन एबल टू इंस्टिल इन देम अ ग्रेटर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. वो अभी तक इन लोगों के मन में कॉन्फिडेंस या विश्वास नहीं जगा पाए हैं कि आप सिक्योर हैं इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी. ठीक है, तो ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स मोस्ट ऑफ द पुलिस पर्सनल हु पेरिस्ड, पेरिस्ड का मतलब होता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है इन दिस लेटेस्ट अटैक्स सीम टू हैव बीन लोकल सिटीजन्स. ठीक है, इन सब के ऊपर अगर हम देखा जाए तो ये जितने भी पुलिस पर्सनल जो पुलिस जवानों ने इसमें लाइफ गंवाई है इस अटैक में अपनी, वो लोकल सिटीजन ही थे. What effect could this have on the larger process of winning away? Winning away का मतलब होता है अलग करना the populace, populace यानी आवाम, आम जनता जो होती है from the नक्सलाइट्स. तो इसका असर क्या होगा जो हम आम जनता को नक्सलाइट से दूर कर रहे हैं, इसका क्या असर रहेगा, what effect could this have? ठीक है, ये जो अभी लोग मरे हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस प्रोसेस पे जो हम इसको अलग कर रहे हैं. रियलिटी बैकन्स, बैकन्स यानी संकेत करना, रियलिटी जो हो रही है, जो ये अटैक हो रहे हैं ये इस चीज़ को बयां करते हैं. इवन इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज ऑफ ए हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बना रखा है, हॉस्टाइल मतलब एनिमी, उन्होंने तो हम पे जो बना रखा है ये अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है, इंडिया कैन नॉट, उसके बीच इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी लाइटली. बाहर का तो हम ध्यान रख लेंगे, बाहर का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन हम इंडिया जो है वो जो अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लाइटली नहीं ले सकती. जो हमारे अंदर जो ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उन सबको हम लाइटली नहीं ले सकते. पाकिस्तान का तो चलो हमको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन अलॉन्ग विद डैट जो हमारे अंदर ही अंदर आतंकवाद पनप रहा है उसका भी हमको, इंडिया को पूरा ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए आज तो हम इतना ही करेंगे. और आप एग्ज़ाम लेक्सिकन के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये डेली करंट अफेयर का है, जितने भी पीडीएफ स्टडी मटेरियल सब होगा वो मैं इसी पे पोस्ट करता हूं. और ये कैट प्रिपरेशन, अगर कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं ये दोनों, इनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा. और ये फेसबुक ग्रुप है, ये बस आपको एक एग्ज़ाम लेक्सिकन सर्च करना है और वो आ जाएगा एंड यू कैन जॉइन इट. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अब से मैं रोज़ इस पर एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो डाला करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए. और आपके जितने भी दोस्त यूपीएससी आई मतलब SSC-CGL बैंक PO या कैट या किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे अहेड. आपका दिन शुभ हो. जय हिंद, वंदे मातरम.